बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू ड्रीम अचीवर्स बाय मोहम्मद अदनान। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड लॉन्ग लास्टिंग टॉपिक एंड आल्सो अ कन्फ्लिक्टेड टॉपिक बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान दैट इज रिगार्डेड एज टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और इसके ऊपर पाकिस्तान और इंडिया की बहुत सारी बात भी हो चुकी हैं। तो आज के टॉपिक में हम कंप्लीट कश्मीर इशू को डिस्कस करेंगे फ्रॉम 1947 टू टिल नाउ। हम देखेंगे कि कश्मीर इशू के अंदर हमारी कितनी वार्स हो चुकी हैं, बेसिकली कश्मीर इशू है क्या। उसके बाद हम देखेंगे कि कश्मीर इश्यूज के ऊपर कितने प्लान प्रपोज्ड हो चुके हैं जो किस वजह से कामयाब नहीं हुए। उसके बाद हम कश्मीर इशू पे 35A and 370 आर्टिकल के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और एट द एंड हम पाकिस्तान की तरफ से वे फॉरवर्ड्स को थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अब अगर मैं इसके इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा बताऊं तो जम्मू एंड कश्मीर इज द कोर इशू बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया दैट हैज बीडिवल्ड रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज सिंस अगस्त 1947। इट इज आल्सो अ नोन फैक्ट दैट परसेप्शन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान अबाउट व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द डिस्प्यूट आर टोटली डिफरेंट। अगर हम पाकिस्तान और इंडिया के कंसर्न की बात करें कश्मीर डिस्प्यूट के ऊपर तो इनका कंसर्न एक नहीं है, डिफरेंट है कंसर्न। पाकिस्तान का कंसर्न क्या है? पाकिस्तान रिगार्ड इट एज एन अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ द पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट इन 1947 एज अगेंस्ट इंडिया ऑन द अदर हैंड रिगार्ड इट एज इट्स टेरिटोरियल इशू। इंडिया assert दैट जम्मू एंड कश्मीर इज एन integral पार्ट ऑफ इंडिया एंड दैट पाकिस्तान इज occupying इंडियन territory। अब अगर हमने इसके इंट्रोडक्शन के अंदर कंप्लीटली इस चीज को डिस्कस किया कि जो कंफ्लिक्ट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों की तरफ से सेम नहीं है। पाकिस्तान इसको अनफिनिश्ड एजेंडा डिक्लेयर करता है और कहता है कि आप इस चीज को कश्मीरी पर पीपल्स के ऊपर छोड़ दें कि वो सोवरेनिटी की तरफ जाते हैं, इंडिया के साथ अटैच होना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ अटैच होना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड इंडिया इस चीज को कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर इज द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो यहां पे अगर आप स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा हो मैप जिसमें आप देखते हैं कि इंडिया है, पाकिस्तान है और इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ कनेक्टेड जो है वो कश्मीर है जिसको LOC लाइन ऑफ कंट्रोल भी कहा जाता है। इन अगस्त 1947 आफ्टर 300 years in India, the British finally left. The subcontinent was partitioned into two independent nation states. Hindu majority India and Muslim majority Pakistan. Princely states थी, approximately 365 princely states थी। तो उनको कहा गया कि जो states जो है वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं वो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं, जिनमें आप बावलपुर स्टेट थी, बंगाल था, बंगाल तो खैर प्रोविंस था, सूबा था, उसके साथ जूनागढ़ वगैरह की स्टेट्स थी जिन्होंने डिक्लेयर किया कि हम पाकिस्तान के साथ शामिल, हैदराबाद दक्कन था पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं और बाकी बहुत सारी स्टेट्स थी जो कहती थी हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो 1947 में इस बेस के ऊपर होती है फर्स्ट इंडो पाक वार में क्या होता है कि फेयरिंग दैट मोनार्क वुड ज्वाइन इंडिया, क्योंकि कश्मीर में जो मोनार्क था या जो प्रिंस था वो हिंदू था और उसकी मोस्टली पॉपुलेशन जो थी वो मुस्लिम्स थी। मोनार्क वुड ज्वाइन इंडिया, द कश्मीरी पॉपुलेशन रिबेल्ड हियर इन 1947। आर्म ट्राइब्स मैन फ्रॉम पाकिस्तान सून ज्वाइंड द फाइट और इस टाइम के अंदर कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने
उस टाइम के जो हेड ऑफ आर्मी थे, जो ब्रिटिश थे, फ्रैंक मिजरवी साहब, उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप भी अपनी आर्मीज जो हैं वो भेजें, जो उन्होंने उसकी बेस पे इनकार कर दिया, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान का अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तो कॉन्स्टिट्यूशनली जो गवर्नर जनरल है वो नहीं कह सकता था, क्योंकि पाकिस्तान ने आफ्टर इंडिपेंडेंस 1935, इंडियन एक्ट 1935 को पाकिस्तान एक्ट 1935 डिक्लेयर किया और उसमें कुछ अमेंडमेंट्स कर दी, बाकी वही चीज़ें जो है वो डिस्कस होती रही। उसके बाद 1949 के अंदर यूनाइटेड नेशंस की अटेंशन इस तरफ दिलवाई जाती है, और उसके बाद द वार इंक्रीज द थ्रेट टू वर्ल्ड पीस एंड ब्रॉट द डिस्प्यूट टू द अटेंशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, और यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल ने 1949 में सीज फायर करवा दिया इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, और उन्हें कहा था पाकिस्तान कंट्रोलिंग वन साइड एंड इंडिया ऑन द अदर साइड, जिसको LOC बोला गया, जिसको सीज फायर लाइन भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा मैप के अंदर कि एक साइड पे आपको कॉर्नर में चाइना नज़र आ रहा होगा, नीचे इंडिया है और पाकिस्तान है, और ये इनके दरमियान जो बॉर्डर बनाया गया है यूनाइटेड नेशन सीज फायर लाइन के अंडर, इसको LOC कहा गया और सीज फायर हो गया। वार कंटिन्यू रहती है और सेकेंड इंडो पाक वार होती है 1965 में। द इंडियन फोर्सेज इंट्रूडेड इन टू पाकिस्तानी एरिया इन रन ऑफ कच इन अप्रैल 1965। रन ऑफ कच एक स्ट्रिप है, छोटी लाइन है, जो पाकिस्तान को ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान कंट्री से, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, ऑयल एंड नेचुरल रिसोर्सेज रिच सेंट्रल एशियन कंट्रीज, उनके साथ अटैच करता है। तो रन ऑफ कच इन अप्रैल 1965 इन अ शार्प एंड शॉर्ट कन्फ्लिक्ट द इंडियन फोर्सेज वर एजेक्टेड, बोथ द आर्मीज हैज फुली मोबिलाइज्ड विद आई बाल टू आई बाल कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे अगेन आर्बिट्रेशन होती है और द सीज फायर एंडिंग द वार बट डिड नॉट चेंज द लाइन, कश्मीर वाज केप्ट डिवाइडेड एंड ऑक्यूपाइड रहता है। इसमें भी 1965 की वार होती है और जो वार है वो एंड तो हो जाती है, बट कश्मीर का कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं होता। उसके बाद 1971 में थर्ड इंडो पाक वार होती है, और थर्ड इंडो पाक वार के अंदर जो इंडियन हेल्प रेबल्स फाइट फॉर इंडिपेंडेंस एंड डेल्ट पाकिस्तान एज अ डिवेस्टिंग डिफीट, और यहाँ पे 16 दिसंबर 1971 को फॉल ऑफ ढाका होता है, जिसमें पाकिस्तान जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ईस्ट पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का पार्ट था, वो बांग्लादेश बन जाता है, एंड एट दिस पॉइंट कश्मीर बिकेम द मोस्ट मिलिटराइज्ड प्लेस ऑन अर्थ। वाई? बिकॉज इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ डिप्लॉय टैंक्स, आर्टिलरी एंड सोल्जर्स अलोंग द LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। और यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल का आपको नजर भी आ रहा होगा, जिसमें उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ जो है वो अपने जो वेपन्स हैं वो डिप्लॉय किए, और दरमियान में आपको लाइन नज़र आ रही होगी। फिर 1972 में शिमला एग्रीमेंट होता है, वार साइन टू हॉल्ट एनिमोस्टी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो 1971 की वार के ऊपर हुआ था। उसके बाद 1987 में इलेक्शंस होते हैं, और वो इलेक्शंस रिग्ड बाय इंडिया इन J&K, जम्मू एंड कश्मीर, इसको IHK भी कहा जाता है, इंडिया हेल्ड कश्मीर भी कहा जाता है। इलेक्शंस फॉर द इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर हेल्ड ऑन 23 मार्च 1987। इंडिया रिपोर्टेडली रिग्ड द इलेक्शन एंड डिक्लेयर्ड प्रो इंडियन पार्टी एज अ विनर। अब विनर कौन होता है? विनर जो है प्रो इंडियन। नाउ इट वाज अ बिग टर्निंग पॉइंट फॉर मैनी कश्मीरीज हु फेल्ट मैनी वर अगेन डिनाइड द चांस टू वोट। अब इसके बाद 1990 में के अंदर फाइट फॉर इंडिपेंडेंस होता है, अगेन कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स लाइक जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट स्टार्ट रिक्रूटिंग मुस्लिम यूथ फॉर इंडिपेंडेंस, और बहुत सारे मुस्लिम यूथ जो है वो कश्मीर की इंडिपेंडेंस के लिए उनके साथ मिलती है, जिससे मुजाहिदीन मूवमेंट
स्टार्ट हो जाती है और ये जो मुजाहिदीन मूवमेंट है इसके रिटेलिएशंस के अंदर इंडिया रिस्पॉन्डेड विद इनक्रेडिबल मिलिट्री फोर्स डिप्लॉइंग अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख ट्रूप्स टू कश्मीर एंड दे क्रैक डाउन मिलिटेंट्स एंड प्रोटेस्टर। अब एट द 1999 में फोर्थ इंडो पाक वार होती है जिसे कारगिल वार भी कहा जाता है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली कैजुअलिटीज जो हैं वो इंडिया की होती हैं 527 और पाकिस्तान की 400 प्लस हैं, क्लियर नहीं है। तो इसके ऊपर अगर हम देखें 1999 में तो इनके डिफरेंट टाइम जोन्स हैं, डिफरेंट टाइम के अंदर डिफरेंट फैक्ट्स हुए, ये जीके के लिए वन पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ऑन 3 में पाकिस्तान इंट्रूजन रिपोर्टेड इन कारगिल एंड ऑन 10 में इनफिल्ट्रेशन नोटिस्ड इन द्रास काकसार एंड मश्को। 26 में इंडियन एयरफोर्स लॉन्च एयर स्ट्राइक्स अगेंस्ट इनफिल्ट्रेशन एंड आल्सो ऑन 27 में MiG-27 गोज डाउन पायलट इजेक्टेड एंड टेकन प्रिजनर बाय ऑफ वार बाय पाकिस्तान। 12 जून डेडलॉक एट फर्स्ट मीटिंग बिटवीन फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। 15 जून US अर्ज पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर टू विदड्रॉ ट्रूप्स फ्रॉम कारगिल। एट दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर वाज मोहम्मद नवाज शरीफ एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाज जनरल परवेज मुशर्रफ। 29 जून इंडियन आर्मी रिकैप्चर टू इम्पोर्टेंट पोस्ट नियर टाइगर हिल। पाकिस्तान विन द वार बट लूजेज ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट ऑन इंटरनेशनल फोरम। ऑन 2000 टेरर अटैक होते हैं रिटेलिएशंस में, जिसमें 2000 के अटैक्स हैं। 2001 में लश्कर ए तैयबा जो है वो अटैक करती है इंडियन पार्लियामेंट की बिल्डिंग के ऊपर। 2008 में ताजमहल होटल पे ऊपर उनका अटैक होता है। 10 मिलिटेंट्स फ्रॉम सेम ग्रुप लश्कर ए तैयबा किल्ड 174 पीपल एंड वाउंडेड 300 इन मुंबई। मेन वाइल अगर एट द एंड हम इसका सारा इंट्रोडक्शन देखें तो इंडियन आर्मी क्रैक डाउन इन कश्मीर फायरिंग बुलेट्स एंड पैलेट्स ऑन अनआर्म्ड प्रोटेस्टर लीविंग 100 वाउंड्स एंड ब्लाइंड्स। अब ये सारी चीज़ें तो हमने डिस्कस की कि एट दैट टाइम अभी तक जो है इंडिया एंड पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर पॉइंट के ऊपर क्या कुछ हो चुका है, कौन कौन से, ये हमने थोड़ा सा हमारा ओवरव्यू था कि कौन कौन से फैक्टर्स रहे हैं, कौन कौन से टाइम जोन्स के अंदर क्या क्या हुआ। हमने फोर्थ इंडो पाक वार पढ़ी 1947 उसके बाद हम 1965 सेकेंड इंडो वार, 1971 थर्ड इंडो वार पाक वार एंड 1999 फोर्थ इंडो पाक वार हमने पढ़ी। उसके बाद हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइम जोन्स के अंदर जो है कश्मीर के क्या सॉल्यूशंस दिए गए। सबसे पहला सॉल्यूशन जो है जो 1950 के अंदर दिया गया था दैट वाज ओवन डिक्सन प्लान। अब ओवन डिक्सन प्लान जो है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से दिया गया था और इसके अंदर उन्होंने 3 प्लान्स दिए थे। वन वाज हिंद एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और रिगार्डिंग कश्मीर कन्फ्लिक्ट, हिंदू मेजॉरिटी जम्मू एंड लद्दाख वर टू बी एनेक्स्ड बाय इंडिया। पहली बात उन्होंने कर दी कि इंडिया जो हिंदू मेजॉरिटी वाले इलाके हैं जिनमें जम्मू और लद्दाख हैं वो इंडिया के पास रहें। AJK एंड गिलगित बल्तिस्तान GB वर टू बी रिटेन्ड बाय पाकिस्तान। वाइल इन द वैली आफ्टर द रेफरेंडम द एरिया ऑफ नॉर्थ ऑफ रिवर चनाब शेल जॉइन पाकिस्तान एंड दोज लोकेटेड साउथ शेल जॉइन इंडिया। जो रिवर चनाब के नॉर्थ की तरफ होंगे वो इंडिया के साथ रहेंगे और जो रिवर चनाब के साउथ की तरफ होंगे वो पाकिस्तान के अंदर रहेंगे। दैट वॉज आल्सो, इसको भी कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी गई और ये प्लान फेल हो गया। उसके बाद चनाब फार्मूला दिया गया 1960 में, इनकी आपको मैं स्लाइड्स तो नहीं दे पा रहा लेकिन आपको इसको अगर कम्प्लीटली समझ लें और साथ लिखें तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद 1950 में ओवन डिक्सन प्लान दिया गया। उसके बाद 1960 में चनाब फार्मूला दिया गया। अंडर दिस प्लान 6 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर वैली
अब वो सिक्स डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, श्रीनगर है, बारामूला है, बदगाम है, कुपवारा है, एंड पुलवामा है, एंड अनंतनाग है। ये एरियाज, दीज एरियाज वुड बिकम पार्ट ऑफ पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी थे। इन रिटर्न इंडिया वुड गेट द हिंदू डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू, कठुआ, उधमपुर एज वेल एज लद्दाख। ये चार जो है, जिन जो हिंदू मेजोरिटी एरियाज हैं, ये इंडिया के पास रहेंगे। द LOC वुड शिफ्ट ईस्टवर्ड टू इंक्लूड पुंछ, रजौरी एंड डोडा टू पाकिस्तान एंड डीम टू इंटरनेशनल बॉर्डर। ये चुनाव फार्मूला भी एक्सेप्टेड नहीं हुआ इंडिया की तरफ से। उसके बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट मुशर्रफ 4 पॉइंट फार्मूला दिया गया। अब मुशर्रफ ये दिया, मुशर्रफ ने 2006 में 4 पॉइंट फार्मूला दिया टू मिनिमाइज द कन्फ्लिक्ट। उसमें क्या कहते हैं, कश्मीर शुड हैव द सेम बॉर्डर बट फ्री मूवमेंट अक्रॉस द रीजन बी अलाउड फॉर बो पीपल ऑन बोथ साइड ऑफ LOC। बड़ी क्लियर सी बात थी और बड़ा ये इनका लिबरल सा और इलास्टिक सा 4 पॉइंट फार्मूला था, जो एक्सेप्टेड हो सकता था दोनों तरफ से, कि सेम बॉर्डर रहेगा। पहले क्या है कि सेम बॉर्डर रहेगा और जो कश्मीरी पीपल्स जो है वो उनकी मूवमेंट LOC के दोनों तरफ जो है वो फ्री रहेगी। उसके बाद दूसरा था, देयर शुड बी सेल्फ गवर्नेंस एंड अटोनमी बट नॉट इंडिपेंडेंस। अगर इंडिया उनको इंडिपेंडेंस नहीं देना चाहता तो उनको सेल्फ अटोनमस गवर्नमेंट बना दिया जाए। उसके बाद थर्ड है, रीजन शुड बी डीमिलिटराइज्ड, ट्रूप्स को विद द पैसेज ऑफ टाइम स्लोली स्लोली जो है वो डीमिलिटराइज किया जाए। एंड अ मैकेनिज्म शुड बी डिवाइज जॉइंटली बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सो दैट द रोड मैप फॉर कश्मीर इज इम्प्लीमेंटेड स्मूथली। इसके साथ इन्होंने 5 मेजर चेंजेस की भी बात की। अब 5 मेजर चेंजेस ये मुशर्रफ पॉइंट फार्मूले में है, कि यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन जो है वो, जिस जो उन्होंने प्लेबिसाइट की बात की थी, उनको बेहतर किया जाए, सेल्फ गवर्नेंस दी जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके ये भी एक्सेप्ट, मुशर्रफ जो पॉइंट फार्मूला है वो भी कामयाब नहीं हो सका। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने 2015 में, सितंबर 30, 2015, 17th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA, उसके अंदर 4 पॉइंट एजेंडा दिया था। वो 4 पॉइंट एजेंडा क्या था? फर्स्ट पॉइंट वाज दैट पाकिस्तान एंड इंडिया फॉर्मलाइज एंड रिस्पेक्ट 2003 अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्लीट सीज फायर ऑन लाइन ऑफ कंट्रोल एक्सपेंशन ऑफ न्यूट्रल ऑब्जर्वेंट, के इंडिया एंड पाकिस्तान जो है वो कश्मीर जो LOC है उसको, जो 2003 के अंदर उसको जो लाइन ऑफ कंट्रोल को सीज फायर किया गया था, तो उस पर कंप्लीट न्यूट्रल रहें और सीज फायर रखें। सेकंड पॉइंट वाज पाकिस्तान एंड इंडिया रीअफर्म दे विल नॉट रिजॉर्ट टू और थ्रेट टू यूज ऑफ फोर्सेस, दोनों तरफ से यूज ऑफ फोर्सेस नहीं किया जाएगा, और स्टेप टू डीमिलिटराइज कश्मीर। ये मुशर्रफ और इनकी बात जो है ये इसके ऊपर सेम थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टेप्स टू विदड्रॉ ट्रॉप फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर। तो ये सारे पॉइंट्स डिफरेंट टाइम जोन्स के अंदर पाकिस्तान के तरफ से कश्मीर रेजोल्यूशंस के डिफरेंट सॉल्यूशंस दिए गए, बट इनके ऊपर काम नहीं हो सका। अब हम डिस्कस करते हैं असेसमेंट ऑफ क्राइसिस पोस्ट पुलवामा ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A। 370 एंड 35A आर्टिकल बेसिकली था कि जो कश्मीरीज की ऑटोनमी थी उस ऑटोनमी को ख़त्म किया गया। इससे पहले ये था कि कश्मीर जो है एक ऑटोनमस स्टेट है और बाहर से, और कश्मीर के अंदर कश्मीरी लोग ही जॉब कर सकेंगे, बाहर के लोगों का कोई कोटा दिया हुआ था, अदरवाइज कश्मीरी पीपल ही करेंगे। और उसके बाद कश्मीरी पीपल इलेक्शंस होंगे जिसमें कश्मीर जो है वो कश्मीरी पीपल इलेक्शन लड़ सकते हैं। बट अब क्या किया गया, आफ्टर थर्टी प्रोवोकिंग आफ्टर फिनिशिंग आर्टिकल 370 एंड 35A,
तो जो हिंदू इनका कश्मीरीज का जो सेल्फ डिटर्मिनेशन थी या अटोनमी थी उसको ख़त्म कर दिया गया। अब बाहर से कोई भी आके कश्मीर के अंदर लैंड परचेज कर सकता है, जॉब कर सकता है, अपनी पार्टी बना सकता है, गवर्नमेंट चला सकता है। तो ये बेसिकली क्या ये था। एंड सो दिस इज कश्मीर इशू इज मल्टी डायमेंशनल, द रेयर इशू इज नॉट आर्टिकल 37 एंड 35A बट द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन विच एम्बेडेड इन यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन। यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन में था कि ये तब तक जब तक इनके इलेक्शन या प्लेबिसाइट या रेफरेंडम नहीं होता उस टाइम तक कश्मीर जो है वो अटोनमस रहेगा। तो इसका जो 35, 37 एंड 35 आर्टिकल जो है इसके बड़े डिवेस्टिंग इफेक्ट्स रहे हैं कश्मीर के अंदर। उसमें क्या इफेक्ट है, इंडियन लॉकडाउन फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी हैज़ बीन डिसअपॉइंटेड। ठीक है, इंडिया ने जो इंटरनेशनल लॉ था उसको ब्रेक किया था। ठीक है, इंडिया इज़ लुकिंग टू एक्सप्लॉयट पाकिस्तान वल्नरेबिलिटीज। तो अगर हम एट द एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाकिस्तान की तरफ से पॉलिसी रिस्पॉन्स फ्रॉम पाकिस्तान मतलब वे फॉरवर्ड पाकिस्तान की तरफ से अगर हम देखें आफ्टर 15 अगस्त 2019 जब व्हेन इंडिया रिवोक्ड आर्टिकल 370 एंड 35A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो वो क्या था, एक्सटेंसिव पाकिस्तान शुड प्रायोरिटाइज स्टेबलाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी ऑफ इटसेल्फ। सबसे पहले तो पाकिस्तान को अपनी डोमेस्टिक अगर इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच करना चाहता है तो सबसे पहले पाकिस्तान को अपनी जो इकोनॉमी है उनको बेहतर करना पड़ेगा। सेकंड इज पाकिस्तान नीड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन इंटेलिजेंस बोथ बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनल। ये चीज़ हो गई। उसके बाद पाकिस्तान शुड टेक पाकिस्तानी पब्लिक ऑन बोर्ड एंड प्रिपेयर फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ वार ऑन कश्मीर कंफ्लिक्ट एक्सपेक्टेडली 5th इंडो पाक वॉर। पाकिस्तान शुड कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स टू रेज अवेयरनेस एंड एक्सपोज हिंदुत्व आइडियोलॉजी ऑन इंटरनेशनल फ्रंट एज लाइक OIC एज लाइक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एज लाइक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फ्रॉम चाइना। चाइना क्योंकि पाकिस्तान का दोस्त है तो वो वहाँ पे पाकिस्तान का पॉइंट जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल पे उठा सकता है और यूनाइटेड नेशन के डिफरेंट फ्रंट्स के ऊपर उठा सकता है। तो उसके बाद नेक्स्ट पाकिस्तान शुड इन्हेंस काउंटर इंटेलिजेंस कैपेसिटी। नेक्स्ट इज क्रिएट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ कन्फ्लिक्ट टेकिंग इन टू अकाउंट द इम्प्लीकेशन ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैयर टेकन बाय इंडिया। पाकिस्तान लीगैलिटी तौर पर जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैयर्स लिए हैं उनको इंटरनेशनल फ्रंट पे उठाए और इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपील करे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी रिजिस्ट करें इंडिया को टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट ऑफ कश्मीर। एंड नेक्स्ट पाकिस्तान अपील टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, इनवाइट इंटरनेशनल एजेंसीज टू मॉनिटर ऑन ग्राउंड सिचुएशन। क्यों, क्योंकि जो कश्मीर इज द मोस्ट मिलिटराइज्ड मोस्ट वेपनाइज्ड प्लेस ऑन अर्थ और ये जो कन्फ्लिक्ट है ये है बिटवीन टू अटोमिक स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। तो इट इज़ द बिग कश्मीर इज़ द बिगेस्ट थ्रेट फॉर द वर्ल्ड। दुनिया जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है दे शुड टेक इट एज द थ्रेट बिटवीन टू अटोमिक कंट्रीज नॉट जस्ट द थ्रेट ऑफ कश्मीर बिटवीन टू नॉर्मल कंट्रीज। और ये अटोमिक कंट्रीज के साथ साथ आइडियोलॉजिकली कन्फ्लिक्ट जो है वो भी इन कंट्रीज के दरमियान बहुत ज़्यादा है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड टेक इट एज ऑन सीरियस नोट एंड टेक इट एंड मेक अ पॉसिबल सॉल्यूशन एज सून एज पॉसिबल। दैट इज़ द कश्मीर कन्फ्लिक्ट ऑन कंप्लीट बेसिस। इसके ऊपर अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।